डॉलर ऐसे ही आता है गोल गोल सा ऐसे खड़ी करके भाई मजे आ जाते हैं। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। हालांकि गुड मॉर्निंग नहीं है यार, 4 बज रहे हैं, लेकिन ये मत बोलना कि भाई इतना लेट उठे हो, क्योंकि आप लोग जानते हो मैंने कल रात 1 बजे स्ट्रीम बंद करी थी। वैसे 2 करता हूँ, लेकिन कल 1 बजे करी थी और उसके बाद पूरे दिन पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई है। मैं सोया हूँ 6 बजे और उठा हूँ 4 बजे, और अभी आजकल गई अपने ऑफिस, उसका फ़ोन आया कि भाई उसको लेना है ऑफिस से वापस, मतलब उठाना है उसको वहाँ से, ठीक है तो उसको लेने चलते हैं। उससे पहले नाश्ता कर लेते हैं और ये शूट कर रहा हूँ मैं गोप्रो से। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन उसमें आवाज़ ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, कैमरा वैमरा की कुछ सेटिंग मुझे पता नहीं है अभी, और माइक की भी नहीं पता है मुझे सेटिंग, ठीक है। तो जिस भाई को भी गोप्रो की थोड़ी नॉलेज है तो कमेंट करके बता देना मेरे को, थोड़ा सेटअप वेटअप करा दो यार। और अभी चलते हैं, पहले नाश्ता कर लेते हैं चलो। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, देखो मुझे सेटिंग का इतना पता है नहीं अभी, तो कभी मुझे फिर बोलो कि भाई अंधेरा आ रहा है उजाला आ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आंचल को लेने, ठीक है, उसके ऑफिस जा रहे हैं, तो जल्दी से चलते हैं क्योंकि उसको वेट कर रही है। और भाई मैं आज ट्राई करूंगा लगाने का सर पे वो पट्टा सा उसका, ठीक है, गोप्रो का, और चेस्ट तो पता नहीं, लेकिन हाँ गाड़ी वाला लगा दूंगा, वो जो क्लिप थी वो लगा दूंगा, बोनेट पे भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे पहले चीज़ें सीखो, तो पहले भाई टाइम वेस्ट ना करते, जल्दी से चलते हैं आंचल को लेने, चलो भाग के। तो रेडी, ये हो गया हमारा वॉलेट, ये रही हमारी गाड़ी की चाबी, भागो जल्दी। तो गाइज़ ये है हमारी यहाँ की पार्किंग, और मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी गाड़ी, देख रहा हूँ कहाँ है भाई, और फाइनली मिल गई है ये रही। तो ये रही भाई हमारी गाड़ी, और पापा ने मुझे बोला था कि मैंने इस पर कहीं स्क्रैच मारा जो कि मुझे दिख नहीं रहा। ओके तो ये है, ये मुझे नहीं पता भाई कहाँ लगा है, हल्का सा, चलो ये कोई नहीं, हो जाएगा। फिलहाल निकलते हैं यार, बहुत लेट हो रहे हैं, खोल देते हैं गेट। खुल जाओ सर, और एंटी ने से साफ़ करी होगी, भैया ने आके तो खुले छोड़ दिए उसको, करते हैं बंद। वो देखो वहाँ पे एक बिल्ली है, भाग के चलते हैं भाई, लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलो भाई निकलते हैं आंचल के पास, लेट हो जाएंगे, फालतू में भड़क जाएगी। ओ भाई भबका भबका तो गाइस इतना हो रहा है कि बता नहीं सकता भाई, जल्दी से ऑटो वोटो पे कर दो, मर जाऊँगा मैं तो, सांस जहर सांस आ रही है, जहर जिसे बोलते हैं। ओ भाई ऐसा लग रहा है बहस किया किसी ने, उबली हुई भट्टी में मेरे को यहाँ पर रख दिया भाई, इतनी मतलब इतनी ज़्यादा भबका मार रही है ना गाड़ी, धूप में खड़ी थी ना कल से, और भाई ऐसा लग रहा है, सीरियसली ऐसा लग रहा है किसी ने भाई उबाल दिया मेरे को। तब जल्दी से काम करता हूँ, गोप्रो को कर देता हूँ इस जगह यहाँ पे माउंट, ठीक है, ताकि आपको एक टाइम लैप जैसे कुछ ठीक ठाक सा ट्राई करते हैं इसको नीचे करके। चलो भाई ए सी बहस क्या, चल जा जल्दी, चलो भाई इसको माउंट कर देते हैं। तो भाई गोप्रो हो चुका है अपना सेट, और ये बना रहा हूँ मैं अपने आईफोन से वीडियो, और मैं जा रहा हूँ आंचल को लेने। मैंने एक गलती कर दी कि मास्क लाना मैं भूल गया हूँ, और साला गाड़ी में भी मास्क पड़ा नहीं है, तो देखते हैं भाई क्या होता है, फालतू में दिक्कत ना हो जाए बस यार। सो गाइस देख लो सामने, ऐसा लगता है भाई साहब बिल्कुल गाड़ी पे जाके गिरेगा, टूटा हुआ फुल सा, इसको आराम से यहाँ से निकाल लेते हैं। गाड़ी में गोप्रो लग रहा है, लोग ऐसे देखते हुए जा रहे हैं कि भाई ये कौन सा मीडिया रिपोर्टर है यहाँ पे, मतलब यहाँ के लोगों को पता नहीं है ना यार ज्यादा, किसी की फाड़ दूंगा गाइस। एक काम करता हूँ, देखो लोगों को जब भी नहीं पता, सब लोग मेरे को साइड से ऐसे देख रहे हैं जैसे यहाँ पे पता नहीं क्या ही हो रहा है, तो एक काम करता हूँ रोड पे जाके खड़ा हो जाता हूँ, माइक वाइक ले रहा हूँ, अरे मास्क ने पहन रखा, मोदी जी का ड्रोन रूम है, सैटेलाइट से भेजा गया है मुझे, भाई साहब टांट पे लगा लेता हूँ उसको पट्टे से को गोप्रो के साथ, जिसने मास्क ना पहना उसे 500 रुपये ले लेता हूँ, कह दो भाई मोदी जी ने भेजा मुझे। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है अभी निकलते हैं भाई यहाँ से। देख लो एक छोटा सा पहाड़ आएगा यहाँ पे, ये आ गया, मसूरी टाइप वाली फील आ जाएगी यहाँ पे आपको, बहुत अच्छा है। मेरे पास गाड़ी बड़ी है, अगर होती मेरे पास वरना या पोलो वोलो तो भाई बोल जाती यहाँ पे, बम्पर लेके जाना पड़ता हाथ में। देखो बड़ी गाड़ी का गाइस फायदा यही होता है कि हम उसमें आराम से कहीं भी जा सकते हैं, बाकी यहाँ पे मेन रोड बढ़िया, तो चलो चल रहे हैं भाई अब। आ तो गए हैं फाइनली यार आंचल के यहाँ पे, लेकिन यार ये देखो ये क्या हो गया, ये अलग ही बकचोदी चल रही है, जैसे मैं गेयर डाल रहा हूँ सी,
ये देखो भाई यहाँ से उखड़ गया है खुद ही, पता नहीं क्या क्या इक्वालिटी दे रहा है टाटा वाले, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को तो बिल्कुल भी। यार आ तो रही है आजकल पीछे से, लेकिन सीरियसली इतना मतलब बेकार जगह है ऑफिस है, दिखाता हूँ देखना। बिल्कुल यहाँ गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, रोड चल रही है सारे में, यहाँ पे बाइक वाइक लगी हुई है, और वो आ रही है आजकल, आपको दिख नहीं रही होगी कैमरा में, लेकिन आने वाली है भाई। लेकिन ये यार मेरे को मतलब मज़ा नहीं आया यहाँ पे, बकवास ऑफिस है ये। देखो ये भाई फाइनली आ गई है, जल्दी से आ जाओ जल्दी से, मास्क वास्क लगा के आ रही है। अरे कोरोना की ऐसी जैसे यहाँ पे भाई जस्ता बदल दिया, वक्त बदल दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ तो जाम इतना है कि बगड़ने एक सेकंड, ये लो भाई अब इससे बात करो यार। ओ जनता सिर को बेल्ट लगा लूं पहले, सेफ्टी सेफ्टी फर्स्ट है दोस्तों। यहाँ तो कोरोना का वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया भाई। मेरा तो दिमाग सड़ गया बीच में, मैंने टाइम लैप्स पर आए थे, उसके बाद इतना गंदा जाम, और प्लस देखो एक क्या एक चीज हुई है आज, पता है क्या, इतना हमारी कोई गाड़ी पार्किंग में हल्की सी मार के एक पेंट उतार के पापा ने बताया मुझे। और पता है इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतनी भीड़ है भाई इस कंपनी में, सीरियसली ट्रेनिंग देखिए बाहर निकली, पता है ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सेल नहीं जाती किस चीज़ की, ऐसे निकल रहे हो, कह रहे मेरे को जल्दी क्यों नहीं आ रही, जल्दी आऊँ, इतनी थर्ड फ्लोर पे जाके ऊपर इतनी ट्रेनिंग थी। दिमाग खराब हो गया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, सब बदल दिया। और मेरा भाई मेरा तो आज किस्मत ही खराब है गाइस, पता नहीं कि आप लोगों को मैंने दिखाया तो मैं, पता चल क्या हुआ है क्या, और हमारी गाड़ी को नजर लग गई है। क्या हुआ नजर, ये लगी है देखो गियर बॉक्स, देखो यहाँ से जल्दी देखो मुझे क्या पता कैसे हुआ है, पता नहीं क्या यार, और हल्की सी कोई साइड से मार गया, पेंट उतर गया, कल जाऊंगा कंपनी में लेके हल्का सा वो कराऊंगा, और इसका भी कराना पड़ेगा यार। पार्किंग में मारी होगी किसी ने, हर बार वहीं का है, कोई ना कोई ठोक जाता है, हमसे तो एक ही बार लगी है भैया। और खड़े कर लो, तुम गए मस्टैंग ले लो, मस्टैंग ले लो, अरे मस्टैंग ले लो, अब तो भाई पैसे नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज के, खाने के पैसे ना माउंट कर लिया सर पे, आपको दिख रहा होगा देखो शीशे में से, सही आ रही है परफेक्ट, ठीक है। चलो भाई अब यार ये बस थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, उठाएगा कैमरे का, सर पे, पेट पे, हाथ पे, पेट पे, हाथ पे, माथे पे, अनु यही गाजे बाद में सारा इसके सारे उपयोग ले लेगा बेल्ट के। तो भाई चलो यार अब चल रहे हैं आंचल को लेके, पेट्रोल भी डलवाना मैडम हमको क्या पता है, पैसे तुम्हारा गाड़ी तुम्हारी। ये देखो भाई ये आ रहा है देखने, चेक करने पर डिस्प्ले में आ रहा है, आ रहा होगा ये गाइस, ये देख लो ये यहाँ पे अभी पेट्रोल बिल्कुल खत्म होने वाला है, मैंने माउंट किया हुआ है अपने माथे पे तो मुझे पता नहीं है इतना, भाई मास्क पहन लेता हूँ, कभी पुलिस वाले पकड़ ले मुझे भाई, पेट्रोल तुम्हारा हमको तो बैठने से मतलब है, ये लो ब्रो ये लो, ठीक है अब ठीक है, अभी फिलहाल इस साइड से पूरा चेक कर रहा हूँ, देख लो गाइस खिला दे भाई, मेरे पास पैसे नहीं है यार खाने के, मैं नहीं खिला रहा, मैं नहीं खिला रहा, मैं नहीं खिला रहा, मैं नहीं खिलाऊंगा, मैं नहीं खिलाऊंगा, दोस्त भूख लग रही है दोस्त खिला, मैडम मुझे गाड़ी भी चलाने दो, दोस्तों ये मेरे को कुछ खिला नहीं रहा, मेरे को बहुत भूख लग रही है, कुछ भी नहीं खिला रहा, बहुत भूख लग रही है, कह रहे सारे पैसे खत्म हो गए भाई, मैं नहीं खिलाऊंगा बिल्कुल भी, एक रुपया नहीं है जहर खाने के लिए, अपना घर जाके कड़ी से रोटी खा लियो, कड़ी खत्म हो गई, चार दिन की कड़ी चार दिन से खिला रहे हैं, अब कह रहे आज भी कड़ी से रोटी खा ले यार, डाल कोई और चीज बन जाएगी, राशन खत्म हो भाई, ऐसे करता है मैं कुछ नहीं खिलाता बाहर लाके, डाइटिंग पे वैसे क्या खाएगी यहाँ पे, क्या मिलता है डाइटिंग का बताओ, आके देख लो गाइस, मैं रात को 5 बजे मतलब रात में सुबह समझ लो, सुबह के 5 बजे मैं सोई हूँ, और उसके बाद मैं 8 बजे उठ के आ गई ऑफिस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भाई फाइनली अन्नू मान गया मेरे को मैगडी से खिलाने के लिए, पता नहीं कैसे मान गया भाई, पैसे है ही ना लेकिन खिलवा रहे क्या करें, भूख लग रही है बहुत तेज, अरे मैंने घर पे कॉल किया था सॉरी मैंने मम्मी को कॉल किया था घर पे, लेकिन अभी कुछ बना हुआ नहीं, एकदम रिसेंट जो मैं जल्दी से जाके खा लूँ, तो बहुत तेज भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, तो मैगडी से एक मैकअप खा लेती हूँ, वो तो आ जाएगा लाइट में कोई दिक्कत नहीं, खा उससे लड़ाई करवाई, मैगडी मैन था मेरे पास मैगडी का, गेंद्रापुरम वाला है मैगडी, काफी सही है मतलब बहुत बड़ा बना हुआ है स्पेशली, तो जा रहे हैं हम जल्दी से खा लेते हैं, ठूस लेते हैं फटाफट से, कल जाऊंगा मैं गाड़ी कराने, मेरा दिमाग चल गया भाई, मेरा तो पता नहीं मेरा नहीं कि दिन में मेरा ध्यान ही उस जगह है कि भाई गाड़ी में पता नहीं क्या वो स्टीयरिंग स्टीयरिंग रूम जिसका गियर बॉक्स है वो हिल रहा है, साइड से कोई पेल के चला गया क्या, मतलब सारा जो पनौती पन है मेरी गाड़ी है मेरे साथ क्यों ना, ये देख लो मुझे ये देख लो, ये इसने फालतू चीज मंगा लिया आलू पालू, ये सब देख लो, जैसे डॉलर ऐसे ही हटता है गोल गोल सा ऐसे खड़ी करके भाई, मजे आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके आ जाती है मेरे को यार, ना खाने वाले इंसान को देखो, एक सेकंड रुका भी है, हबड़ 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 खाए जा रहा खाए जा रहा खाए जा रहा है, और कह रहा था मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ये क्या क्या आया था, ये देखो अजीब जानवर है, कितना भी गाय गाय ही रहता है,
पूरा काम चल रहा है, पूरा काम करे लोंडे दबा के। मुझे ये मेसी से कर देता है बेड को ना पूरा। मेसी रोनाल्डो के बारे में कुछ बोल दिया, मेसी के बारे में कुछ नहीं। पता है अभी सुबह से मैं गई थी ना छोड़ के, जैसा मैं छोड़ के गई थी ऐसा ही मिला है बेड। लड़के ने इतना भी नहीं है कि कंबल तय बना दे और थोड़ा ठीक कर दे उसको। भाई मेरा जो कैमरा है ना, मुझे क्यों काट रहा, मैंने गलती से कैमरा उस साइड लगा दिया है, ठीक है, तो मतलब उस साइड गलती से ऐसे लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझ, अंदर से उल्टी खोपड़ी की है। गाइस अभी मैंने कैमरा किया हुआ अपने सर पे माउंट और अभी हम जा रहे हैं डॉलर से मिलने। इस वजह से किया कि यार हाथ से मैं बचा लूंगा क्योंकि वो कैमरे पे झपटता है। और अभी आज ये दूसरा दिन है, ठीक है, मैं फिर से उठ गया हूँ और चल फिर से अपने ऑफिस से तुम्हारे जा रहा हूँ डॉलर से मिलने। तो भाई इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, कभी इधर उधर हो जाइए, हल्का सा इसको पहले सेट कर लेते हैं, कभी सीधा पंजा ही मारे इसमें, ठीक है। तो पहले नीचे चलते हैं, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होने वाला डॉलर का। गेट पे बैठा हुआ वेट कर रहा है मेरा, क्योंकि अभी मैं सो के उठता हूँ ना तो मेरा वहीं पे वेट करता। तो चलो आओ भाई। हाँ, क्या हो गया? गेट खोल। अरे बेटा, गेट तो खोल। यार गेट तो खोल ले। अच्छा रुक जा। गेट तो खुला पड़ा। ठीक है रुक जाओ। उधर। अच्छा चलो। अच्छा यहाँ चल, बैठ पे आ जा। हाँ बेटे, हाँ भाई, हाँ। गिर जाएगा बेटा। गिर जाएगा। रो क्यों रहा है, मैं तेरे से अभी तो मिलूँ, है भाई। हेलो, अच्छा ले, रुक जा रुक जा। हाँ बेटा, हाँ। बस गुड बॉय सेट। ले। मिला नहीं था मैं तेरे से, अभी तो मिला हूँ, है रात नहीं मिला था मैं तुझसे। मोटू क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा है भाई। अरे मेरा बेटा, हाँ रो क्यों रहा है, अच्छे तरह मेरे पास। अरे हक कर ले। हक गुड बॉय बेटू, गुड बॉय। पाने चलो भाई, रिएक्शन देने के लिए थैंक यू मेरे शेर। आ रहा हूँ मैं भी, ठीक है, 2 मिनट में आ रहा हूँ। आज मैं इसको लेने नहीं गया, आज ये खुद कैब से आई है और आ गई है। और मैं बस ये बताना चाह रहा था कि देखो यहाँ पे मैं एडिटिंग अभी कर रहा हूँ। मैं कुछ बताना चाहूंगी। चलो भाई बताओ। तुम ऐसे आई हूँ कैब में कि मम्मी तो मेरे को कह रही, मैंने मम्मी से बात करी, मैं कैब में ऐसे आई हूँ बस कि मतलब ऐसे, पता मैं कैसे हो रही थी कैब में, कैब वाले कहीं और लेके चला जाता, कैब वाले नंदग्राम में जब लोकेशन में पहुंचने वाले, कह रहा मैडम आपके घर आने वाले हैं, मुंह के सही मैंने कह रहा नहीं मैडम कोई बात नहीं, मतलब काफी एजेड थे अंकल जो कैब में लेके आया मेरे को, कह रहे मैम कोई बात नहीं। और मुझे इतनी गंदी नींद आ रही है अभी भी, मैं जल्दी आ गई ऑफिस से, मैं फिर से बैठा नहीं जा रहा था, मैं अंकल नहीं सुनूंगी बैठे। कोई नहीं गाइस, मैं इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मैं एडिटिंग कर रहा था। और देखो आपको दिख रहा होगा कि मैं ये व्लॉग फोन से शूट कर रहा हूँ, तो आज वाला जो व्लॉग था मैकडी में भी फोन से हुआ था, तो गोप्रो और आईफोन दोनों का यूज किया हुआ है, क्योंकि भाई आईफोन का इतना बुरा कैमरा है नहीं, अच्छा कैमरा इसका भी, तो इसलिए हमें इससे भी शूट कर ले। आप देखो बना ले ये आई है ना कैब में ऑटो में, तो भाई बिल्कुल अभी वो गाने गाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अभी पहले मैं इसको जल्दी से एंड कर देता हूँ ब्लॉग को, 6:30 बजने वाले हैं, ब्लॉग डालना भी आप लोगों के लिए। तो बाय, गुड बाय, टेक केयर, प्यार देना वाले ब्लॉग को, और अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि अभी पूरा गोप्रो चलाना सीख जाऊंगा, आज की मिस्टेक ये थी, मैंने नोट कैमरा चेक किया था कि जो मैंने यहाँ पे लगा लिया था गाड़ी में वो ज्यादा ऊपर हो गया था, लेकिन कोई नहीं यार, धीरे धीरे सीखने से आएगा। गुड बाय, टेक केयर, प्यार देना ब्लॉग को, बताता हूँ अभी, रुक जाओ, गुड बाय।